भोपाल में चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही उज्जैन संभाग में आने वाली ग्राम पंचायतों में आचार संहिता लागू हुई और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आने वाले तमाम शासकीय ऑफिसों से जनप्रतिनिधि संगठनों के नेम प्लेट हटाए गए। शासकीय संपत्तियों पर लिखे हुए नामों को कलर के माध्यम से पुताई की गई, जिसकी कई जगह मंत्री, विधायक, सांसद के नाम लिखे हुए थे। उन नामों को हटाया गया और आचार संहिता में पंचायतों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं को बनाना शुरू किया। 25 जून पहला चरण, 1 जुलाई दूसरा चरण, 8 जुलाई तीसरे चरण के मतदान होंगे और परिणाम 14 जुलाई और 15 जुलाई को आएंगे। आचार संहिता लगते ही शासकीय कर्मचारियों ने तेजी के साथ शासकीय व्यवस्था को संभालने का काम शुरू कर दिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो अब किस प्रकार से व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है और किस प्रकार से आप लोग जो है काम कर रहे हैं? पंचायत में निर्वाचन को लेकर साफ सफाई वगैरह सब व्यवस्था, जो शासन के आदेश आएंगे वो सभी व्यवस्था की जा रही है। लाइट वगैरह और पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था सभी रखी जा रही है। आम नागरिकों से क्षेत्र मिलने आप लोग मिल रहे हैं और ऑफिस पर पंचायत जो है वहाँ पर रहते हैं आप लोग? हाँ, पंचायत का जो है ऑफिस में मतलब नहीं रहना है, ऑफिस में भी रहते हैं। जो भी आता है उसकी सुनवाई वगैरह करते हैं आप लोग? समस्या का निदान बिल्कुल, समस्या का हल करते हैं। से व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है, किस प्रकार से संभाला जा रहा है और किस प्रकार से क्या हो रहा है? आज पंचायती राज के चुनाव निर्वाचन के आचार संहिता लग गई है, उसकी सारी व्यवस्थाओं में लगे हैं। मतदान केंद्र में उचित व्यवस्थाएं करना है, पानी, लाइट, आने का रास्ता, और जो पंचायतों में जो निर्माणाधीन काम चल रहे थे उनको जो पूर्ण हो गए हैं वो जिनकी सीसी जारी करवाएंगे। और अब आज से तो हम ये सारा काम, निर्माण काम बंद करके और निर्वाचन के काम लग जाएंगे। आज सारी व्यवस्था देखेंगे, लोगों को दिक्कत भी ना आए उसका किस प्रकार ध्यान रखेंगे? साफ़ सफाई का ध्यान रखना और गर्मी भी पड़ रही है, पानी वानी का किस प्रकार से क्या रखना है? हाँ नहीं, वो तो सारी व्यवस्थाएँ करना पड़ेगी। बारिश का है तो वो तो ऊपर वाले प्रकृति का नियम है, पर अपन यथासंभव उसमें पूरी कोशिश करेंगे। जैसे भी उस समय पर जो व्यवस्था हो पाएगी, जैसे टेंट, बरसाती वाला टेंट लगाना है, आने जाने के लिए कीचड़ वीचड़ नहीं होना है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, शौचालय वगैरह सारी व्यवस्था है, सारी पूरी व्यवस्था है, 100% होगी और चुनाव निर्विघ्न और अच्छे तरीके से निपटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।